हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर आपका गूगल प्ले स्टोर है तो गूगल प्ले स्टोर से आप फ्री फायर को डाउनलोड करना चाहते हो लेकिन फ्री फायर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों बाकी सारा नेट चल रहा है लेकिन प्ले स्टोर पर जब भी हम आते हैं और प्ले स्टोर ओपन करते हैं, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली जैसे मैं अभी सर्च पे दबाता हूँ फ्री फायर, ये देखो फ्री फायर आया है तो सब कुछ काम करता है, लेकिन जब भी मैं इंस्टॉल पे दबाता हूँ, इंस्टॉल पे दबाते ही सिंपली इस तरफ से नाउ, इस तरफ से ओके करता हूँ और ये देखो इस तरफ से जैसे ही डाउनलोड पे लगाता हूँ ना, इस तरह से पेंडिंग दिखाता है। और ये पेंडिंग तब तक दिखाता है, मतलब जब तक मैं देखते रहता हूँ 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है फिर भी ये पेंडिंग होता है, डाउनलोड होता ही नहीं है। और यही प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रहा है, आपके फ़ोन में भी हो रहा है, तो इसको कैसे सही करोगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में लाइव दिखाऊँगा, ठीक करूँगा, फ्री फायर डाउनलोड करके दिखाऊँगा, लेकिन आप जो है आप भी मुझे प्रॉमिस करना होगा वीडियो को लास्ट में देख के फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ बेल दबा देना। तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करना है आपके प्ले स्टोर पर। सबसे पहले जो आपका प्ले स्टोर का फोटो है, आईडी है, आईडी पे क्लिक करना होगा। कर देने के बाद सिंपली आपको पहला जो सेटिंग है सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद सबसे पहला सेटिंग है जनरल पे, जनरल पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे ऐप इंस्टॉल ऑप्टिमाइजेशन, इसको आपको यहाँ पे पहले ऑन कर देना होगा। अगर ऑन है तो सही है, क्योंकि ये अगर ऑन नहीं है तो देखो मेकिंग ऐप्स फास्टर टू इंस्टॉल, तो ये ऑन कर देने के बाद ऐप जो है फास्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और ये हो गया आपका पहला सेटिंग। दूसरा सेटिंग फिर से आपको आईडी पे क्लिक करके फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंस इसमें सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करके फिर ऑटो अपडेट ऐप्स का 2 नंबर पे ये जो सेटिंग है आपका ओवर एनी नेटवर्क रहेगा तो आपको डो नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक करके डन कर देना होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, कभी कभी ऐसे होते हैं जो दूसरा तीसरा ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते रहते हैं, जिसके वजह से आपका फ्री फायर या इस तरह का ऐप को डाउनलोड करते हो तो पेंडिंग दिखाता है। और ये हो गया अभी दूसरा सेटिंग। और अभी आखिरी सेटिंग आपके प्ले स्टोर पर करना है, और ये आखिरी सेटिंग क्या है, जो आपका प्ले स्टोर का आईडी है आईडी पे क्लिक करना होगा। आईडी पे क्लिक कर देने के साथ साथ सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन आएगा, इसी अबाउट पे क्लिक कर देना होगा। और अबाउट पे क्लिक कर देने के साथ साथ अपडेट प्ले स्टोर का एक सेटिंग आएगा। कभी कभी ऐसे होता है जो हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर होता है वो अप टू डेट हो जाता है, मतलब उसी लिए होता है, तो आपको अपडेट प्ले स्टोर पर क्लिक करना होगा। और अपडेट प्ले स्टोर पे क्लिक कर देने के साथ साथ अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट है तो इस तरफ से गूगल प्ले स्टोर इस अप टू डेट रहेगा, अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको ये कर देने के बाद आपका जो फ़ोन है, फ़ोन को आपको इस तरफ से पकड़ के रखना है पावर बटन में, फिर यहाँ पे रिबूट कर लेना है आपको, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने मेरा फ़ोन को रिबूट किया पस करके, और रिबूट करके फिर आप जैसे प्ले स्टोर पर आओगे, फिर प्ले स्टोर पर आके अभी मैं सिंपली गूगल प्ले पे आया, गूगल प्ले स्टोर, फिर फ्री फायर सर्च करता हूँ। और यहाँ पे देखो इस बार मैं गारंटी देता हूँ, जैसे मैं इंस्टॉल पे दबाऊंगा तो पेंडिंग थोड़ा टाइम दिखाएगा, फिर देखना अभी डाउनलोड दिखाएगा। ये देखो क्या बात है, बिल्कुल 4%, फिर ये देखो 8%, फिर ये देखो 12%, मतलब अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड चालू हो गया। तो देख सकते हो सिर्फ ये कुछ सेटिंग है जो आपको आपके फ़ोन में करना है, फिर ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में कभी नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।